मस्त करो टेस्ट क्वालिटी है बेस्ट। राइमिंग तो नहीं है लेकिन चलो चलता है। 49 वाला सैंडविच खा के देखते कैसा है। हरी चटनी का रंग ही देखो कितना अलग है, मतलब मज़ा आ गया। आई थिंक 50 रुपये में इससे अच्छी गोलगप्पे मैंने आज तक लाइफ में नहीं पी। सो गाइस हम लोग खा रहे हैं नॉनवेज वाले गोलगप्पे, आपको दिखाता हूँ। आपने 750 के तो गोलगप्पे देखे हुएगे, आपने सबसे स्पाइसी गोलगप्पे हमारे चैनल पे देखे हुएगे और एक दो टाइप के गोलगप्पे भी देखे हुएगे, लेकिन आज मैं आपको दिखा रहा हूँ नॉनवेज वाले थाई चिकन गोलगप्पे। तो अभी उन्होंने कॉन्सेप्ट मुझे समझाया, बोलते हैं थाईलैंड में यू गो देयर तो यू गेट अ चिकन रैप इन लेट्यूस, तो उससे कुछ मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले ये जो देख रहे हो ये देखो, ये है आपका मिंस चिकन इन अ थाई करी। मुझे इसको न्यूट्रल रखा है कोकोनट डाल के, नथिंग एडेड। दिस इज थाई इन्फ्यूज स्वीट एंड सार। इसमें आप इसको डालोगे, इसमें ऑलरेडी सेव है एंड इट हैज समथिंग एंड दिस इज देयर हॉट सॉस। सो हम लोग अपना एक गोलगप्पा बनाते हैं पहले। तो दिस इज आई थिंक वेरी, अब 750 की जिन्होंने खा रखे उनको तो हमें रीजनेबल लगेगा, 140 रुपये के एंड यू गेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पीसेस। एंड आप थर्सडे को आओगे तो दे सेगी दे सेल इट फॉर 100 bucks। तो दिस प्लेस इज वेरी फेमस अमंग स्टूडेंट्स, तो प्राइस आर वेरी रीजनेबल हियर। मैं भी इसको इंडिविजुअल टेस्ट करता हूँ कि इंडिविजुअली टेस्ट कैसे इसका। दिस कोकोनट मिल्क एंड चिकन, हमने चिकन लिया, हमने थोड़ा मिल्क लिया कोकोनट मिल्क और डाल रहे हैं इसमें हम लोग सॉस। क्वाइट इंटरेस्टिंग, इसका कोई टेस्ट गोलगप्पे ऐसा नहीं है बट कॉन्सेप्ट इज यू हैव अ फीलिंग, यू हैव अ क्रंच, यू हैव अ सॉल्ट, यू हैव सारनेस, बट इट मोर टेस्ट लाइक अ टाको, लाइक अ गोलगप्पा टाको। सो आई वुड से कि मेरे हिसाब से तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। 140 rupees फॉर सच अ इनोवेटिव डिश इज वैल्यू फॉर मनी। हमने जो चिकन विंग्स ऑर्डर करे हैं ये अब ये फ्रायर में डाल रहे हैं, ऑलरेडी मैरिनेटेड एंड हाफ डन, सो दीज हैव बीन रीफ्राइड अगेन टू गिव देम द क्रिस्पी एज। सो अब हम इसको कोरियन बारबेक्यू सॉस में इमीडिएटली फ्राई करने के बाद इसको टॉस करेंगे। इस सॉस को प्रिपेयर कर रहे हैं, इसमें क्या क्या जाता है इसमें कोरियन बारबेक्यू सॉस में? कोरियन बारबेक्यू सॉस में अप्रोक्सीमेटली 14 इंग्रेडिएंट्स जाते हैं। 14 इंग्रेडिएंट्स, वी हैव टू बॉईल द सॉस फॉर अ होल डे, 8 आवर्स यू हैव टू बॉईल इट रेडी, ओके, टू गेट इट रिड्यूस। कोरियन सॉस इज स्पेशल बिकॉज इट्स मेड फ्रॉम अ वेरी स्पेशल कोरियन चिली, उसको गोचुजांग बोलते हैं। गोचुजांग ट्रांसफर्ड इनटू द सॉस, टॉस करा जा रहा है अभी। दैट्स लुक सो अमेजिंग, मतलब आप देख लो इट्स स्मोकिंग रेड हॉट बट नॉट टेस्टिंग कि काफ़ी स्पाइसी नहीं है, बट आई एम ऑल्सो टेस्टिंग द कोरियन बारबेक्यू सॉस फॉर द फर्स्ट टाइम। इट्स फर्मेंटेड चिलीज, आई लव द सेसमे इज जो ऊपर से ऐड करे, इट हैज अ वेरी गुड, इट हैज अ वेरी गुड पंच। सो गाइस हम लोग खा रहे कोरियन बारबेक्यू, उसके सामने इन्होंने मेयोनीज दी है, आई थिंक दिस इज ऑल्सो होम मेड। लेट मी टेस्ट द मेयोनीज, दिस इज स्वीट एंड ये इनका बारबेक्यू है चिकन विंग्स, लुक्स यम, गरम गरम खाने में मजा आता है। द कोरियन बारबेक्यू इज वेरी नाइस, द सॉस इज नॉट स्पाइसी एट ऑल, इज ऑन अ लिटल स्वीट, वेरी नाइस, मतलब जो सेसमे उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है। एंड इसको इस मेयोनीज में डिप करते हैं, विद डिपिंग इट इन द मेयोनीज। मुझे इस टाइप की मेयोनीज जो खुद बनाई जाती है ना वो अच्छी लगती है, नो प्रिजर्वेटिव नथिंग, लुक एट दिस, डजंट इट लुक ब्यूटीफुल, खूबसूरत है। हाँ हाँ
तो तानिश मुझे बोला आपके यहाँ पे लगा हुआ है. तो आई वुड से ईटिंग चिकन विंग इज अ मेसी थिंग बट इट्स सो गुड. वेरी नाइस. आई वुड रेट दिस प्लेस 10 out of 10. अमेजिंग फूड क्वालिटी ऑफ मीट चिकन एवरीथिंग यूज इज स्पॉट ऑन. 200 rupees के है जैसे 4 pieces हो जाए जैसे प्राइस बढ़ते रहेंगे पीसेज ऐड करोगे लेकिन इकोनॉमिकल पड़ेगा जैसे हर जगह होता है. तो आई थिंक 200 rupees फॉर दिस एंड 140 rupees फॉर दिस इज द इकोनॉमिकल ईट एट दिस प्लेस सीइंग द इनोवेशन एंड द क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स दे आर पुटिंग. तो चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट जगह पर देखते हैं क्या मिलता है वहाँ पे और क्या अमेजिंग फूड है. लेट्स गो. तो हम लोग कोरेगांव में अब सैंडविच एक्सप्रेस पे. दिस इज अ वेरी गुड प्लेस टू बी हैविंग सैंडविचेस एंड एवरीवन इज एंजॉयिंग. तो यहाँ पे आए हम लोग और ये लिखा है यहाँ पे विजिट करो कोरेगांव पार्क मस्ट करो टेस्ट क्वालिटी है बेस्ट. राइमिंग तो नहीं है लेकिन चलो चलता है. 49 वाला सैंडविच खा के देखते कैसा है. काफ़ी पॉपुलर है काफ़ी लोगों ने रेकमेंड करा है. मैं हम लोग कोल्ड कॉफी विद दिस प्लेस. दिस इज कंटिन्यूइंग द सीरीज ऑफ कोरेगांव. तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा सैंडविच बन रहा है. 49 में भी हम सरप्राइज मतलब हमने काफ़ी सारे सैंडविचेस कर लिए काफ़ी चीज़ वाले सैंडविचेस भी कर लिए लेकिन इनका प्राइस रेंज कपड़ा इकोनॉमिकल है. अगर मैं देखूँ 60 rupees का सैंडविच चालू होता है मैक्सिमम 80 rupees का सैंडविच है विच इज़ अ बॉम्बे क्लब मिक्स सैंडविच. और जैसे बॉम्बे में सैंडविच मिलता है ये वैसे ही कॉन्सेप्ट पे है और लेकिन काफ़ी एक एक जब चेन करती है ना काम मतलब एक ऑर्गेनाइज वे में. तो देखो सब ने शॉवर कैप पहन रखी है हाइजीन का पूरा फैक्टर है रोड साइड से अलग हट के तो काफ़ी अच्छा लगता है. तो हमें ऐसे ब्रांड्स को इनकरेज करना चाहिए जो देसी सामान बेचते हैं जो बिल्कुल रूट पे देसी सामान बेचते और एक चेन बनाते जैसे इन्होंने बनाई है चेन. तो ये कह रहे हैं चीज़ और बटर बिल्कुल अमूल ही यूज़ करते हैं उसके अलावा कोई दूसरा ब्रांड यूज़ नहीं करते. दानिश कह रहे हैं चटनी बड़ी खतरनाक लग रही है. यूजली मैं बाहर खड़े होकर किचन में एक ही थोड़ा अलाउ कर रहे हैं तो मैं बाहर खड़े होकर यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ. हरी चटनी का रंग ही देखो कितना अलग है मतलब मज़ा आ गया. ये टोमेटो केचप खुद की आपकी. अच्छा ये आ गया है हमारा सैंडविच. तो जैसे ही अब टाइटल का मेन आप पढ़ के आए थे फूड स्टार्टिंग एट 49. यस नॉट अ क्लिकबेट डेफिनेटली अ फूड. ये 49 rupees का सैंडविच है. वाओ सुपर टेस्ट 50 rupees के अंदर. जो प्राइस देखिए उसमें GST नहीं है. 50 का ये है 70 की कोल्ड कॉफ़ी है. आप पी सकते हैं हम लोग. एक्चुअली रात के शूट में दिक्कत जाती है ऑडियंस के लाइट ना थोड़ा एडजस्ट करना मुश्किल होती है तो कमीशन नहीं बढ़ते मैं चाने सीखी. तो 50 की कोल्ड कॉफ़ी है लेकिन पैसे काफ़ी वसूल है इसके. आई थिंक 50 rupees में इससे अच्छी कोल्ड कॉफ़ी मैंने आज तक लाइफ में नहीं पी और 50 rupees में इससे अच्छा सैंडविच नहीं खाया मैंने. तो ब्रेड अच्छे से टोस्ट होकर बटर में अंदर मेयोनीज है तंदूरी वेजिटेबल्स काट के रखी हुई है. ओवरऑल वेरी गुड डिश 50 rupees में पता नहीं कितने पैसे वसूल है. और ये देखो कितनी थिक कोल्ड कॉफ़ी है. सर्विंग छोटी है लेकिन 50 rupees के हिसाब से इट्स प्रीटी प्रीटी गुड. मज़ा आ गया. चॉकलेट शेविंग भी है मतलब 160 rupees की 150 rupees की आपने काफ़ी पी रखी है कैफे कॉफी टीम सब में. दिस बीट्स एवरीथिंग एंड प्लास्टिक स्ट्रॉ सस्ती मस्ती. लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्लेस एंड चेकआउट के क्या है वहाँ पे. नेक्स्ट स्टॉप इज द रॉयल टी जहाँ पे हम खाएंगे बढ़िया बढ़िया बनमस्का और साथ में पिएंगे चाय. सो पारसी फूड के लिए फेमस है एंड ये फेमस पारसी ये है आलू सेव और साथ में है आपका हाफ फ्राइड एग. लुक एट दिस थिंग. ये देखो हाउ इट वॉबल्स. लेट मी कट दिस नाउ. मिक्स करो सेव. मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता ये सेब के साथ जो हाफ फ्राई है उसका टेस्ट कितना अच्छा है. कोई शुगर की जरूरत नहीं पड़ती मुझे. सुपर टेस्ट है द क्रंच फ्रॉम द सेब द स्पाइसेस एंड द हाफ फ्राई. दिस इज फॉर 80. दिस एंटायर लोफ of one muska sweet one is for 40. Chai for 25. 25 rupees starting here. Wow.
पांसी से थोड़ी अलग होती है, इसमें कुछ जिसका आपका जो ब्रू होता है वो पहले उसको उबाल उबाल कर अच्छे से ब्रू करते हैं, फिर गर्म दूध बाद में मिलाते हैं। आई थिंक हमारा कुछ अभी बिल कुछ वुड बी अराउंड 150 और समथिंग, बट इन्जॉयड वेरी मच। तो चलते हम लोग अब मोमोज खाने के लिए। द चाय वॉज ग्रेट एंड सो वॉज द हाफ फ्राई विद सली। तो लास्ट चीज हम जो ट्राई करें तंदूरी चिकन मोमोज, तो यहाँ पे काफ़ी फेमस है, काफ़ी भीड़ है, देखते हैं अपना नंबर कितनी देर में आता है। तो इन्होंने कहा हमने शुरुआत चिकन मोमोज टीम से करी थी, तो हमने सोचा पहले वो ट्राई करते हैं। दिस स्टुपेंडियसली वेरी गुड। What I like is the quality of the जिसमें जो thin है काफ़ी। Wow, awesome steam momos। जो जगह तंदूरी momos अच्छे सब करती है, पहले steam momos आके देखो। If it's good then its place is rocking। I'm impressed with the steam momos। चटनी की खुद की बनाई हुई है। आप देखो टमाटर को ज़रा अच्छी तरीके से नहीं पीसा गया, रफली उसको बस पकाया गया, सीड्स अभी भी है। I love this thing। तो लास्ट स्टॉप है हमारा, और इसके पहले 6 पीसेस आते हैं, हमने हाफ प्लेट ली है बिकॉज हमने उन्होंने बोला हम लोग फूड वेस्टेज का गेंस है, दे हैव गिवन अस 2 स्टीम एंड 3 दिए। तो अभी फॉलो करो हैशटैग अगेंस्ट फूड वेस्टेज, हम फूड वेस्टेज के सख्त खिलाफ। तंदूरी मोमोज फर्स्ट टाइम आउटसाइड दिल्ली, आविष्कार दिल्ली का, इट्स वॉकिंग गुड। आपको अगर ये बड़ा फॉर्मेट पसंद आया हो जिसमें हम दिल्ली के बाहर एक ही जगह पे आपको 4-5 आउटलेट दिखाए थे एक ही वीडियो के अंदर, तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। और आपको लगता है कि हर जगह की एक वीडियो बनानी छोटी इसकी होगी, तो 4-5 मिनट की वीडियो देखना पसंद करोगे 3-4 मिनट की बनेगी वीडियो, या एक ही वीडियो में काफ़ी ज़्यादा जगह तो काफ़ी जगह की लंबी वीडियो नहीं बनती, तो हमने इनको फॉर्मेट कर दिया एक ही वीडियो पे। ऑन दैट नोट दिस योर होस्ट साइन।